हेलो एवरीवन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी तरफ से नया रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुआ है जो ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2023 का। नेम ऑफ द पोस्ट जो है ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर ग्रुप बी जो एग्जामिनेशन 2020, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2023 का। और ये हम आपको सबसे पहले अपने YouTube के चैनल पे बता रहे हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग साथ में अदर जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है जो आज की है जो 13/4/2023, ओपनिंग जिससे आप जो ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशन की वो है 14/4/2023 से, और जो क्लोजिंग डेट है वो है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 28/4/2023। और इसके बाद जो फर्दर जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन जो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, और उसके बाद जो आता है अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं जो तारीख दी गई है उससे, और जो वेबसाइट है जो hpsc.gov.in पे जाके कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो हमने आपको पहले ही बता दी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जो आपका गाइडेंस के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो फैसिलिटेशन काउंटर है वो आगे जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं जो टेक्निकल, और हेल्प डेस्क जो आपकी है ईमेल आईडी दी गई है जो टेक्निकल क्वेरीज के लिए, जो सिर्फ जो है ओनली जो वर्किंग जो एनी वर्किंग डे पे बिटवीन 9 से 18। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो आपका आगे फर्दर जो ब्यूरिफिकेशन जो की गई है पोस्ट की जो डिविडेशन की गई है, सबसे पहले जो है ट्रेजरी ऑफिसर की, जिसमें जो आता है जो नंबर ऑफ पोस्ट जैसे जहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है जैसे जनरल अनरिजर्व्ड, फिर शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा वैसे सारा बता रखा है, और जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल बता रखी है इधर जो 5। असिस्टेंट जो आपका असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट जो दी गई हैं यहाँ पे सारी, और जहाँ तक जो आता है आपके पास टोटल जो 30, जहाँ पे कैटेगरी वाइज जो फर्दर बता रखा है जैसे जनरल अनरिजर्व 16, उसके बाद शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा जो है 6, तो ऐसे सारा बता रखा है। और उसके बाद जो फर्दर आता है जो EX सर्विसमैन, जिसमें जो आते हैं जनरल UR ऑफ हरियाणा, BCB ऑफ हरियाणा, और जो PWBD जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट आता है उसके बाद जो क्वालिफिकेशन जो आपकी क्या रहेगी इसमें जो आप भर सकते हैं, उसके बाद जो बैचलर डिग्री रहेगी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको जो साथ में नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत जो अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। और उसके बाद जो फर्दर आता है आपके पास जो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग फर्दर जो सारे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, और जो स्केल ऑफ पे रहेगा जो आपका ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो है मैट्रिक्स लेवल 9, जो आपका पे स्केल रहेगा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए वो रहेगा आपका मैट्रिक्स लेवल 7। नेक्स्ट आता है जो सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट जो आगे इंस्ट्रक्शन शेड्यूल जो आपका एग्जामिनेशन का जो जैसे टेंटेटिव शेड्यूल या एग्जैक्ट डेट होगी जो आपकी सेट एग्जामिनेशन जो आपको नोटिफाई बाद में कर दिया जाएगा जो इनकी वेबसाइट है उस पर। सेंटर एग्जामिनेशन का वो रहेगा वो भी आपको जो नोटिफाई कर दिया जाएगा इन ड्यू कोर्स में। और उसके बाद जो आता है कैंडिडेट शुड नॉट जो आपका आता है दैट नो रिक्वेस्ट फॉर जो आप चेंज के लिए कोई भी नो रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, जो आपकी कोई नहीं मतलब क्या है इसका जो है आप सेंटर को चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा है जो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन। जो आगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो पेपर 1, 2 एंड 3, पेपर 1 में जो सिलेबस सारा दिया गया है वैसे जैसे प्रेसी राइटिंग जो आगे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो उसके रिगार्डिंग जिसमें इंग्लिश हिंदी में आगे जो है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, और उसके बाद जो पेपर 3 है तो उसके जो गवर्नमेंट अकाउंट्स फ्रॉम चैप्टर 1 to 8, तो ऐसे सारा बता रखा है। और उसके बाद जो आता है आपके पास जो टाइम जो मैक्सिमम मिनिमम और जो पास मार्क्स जो रहेंगे आपके जो बाय बॉस के रिगार्डिंग, और फर्दर आता है आपके पास जैसे पेपर टाइम टोटल मार्क्स जहाँ पे जो मार्क्स जो मिनिमम मार्क्स जो आपके पास मार्क्स रहेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 घंटे के, और उसके बाद जो टोटल मार्क्स जो रहेंगे जहाँ तक सारे जो 100 टोटल रिटर्न जो आपका 300 बाय बॉयज जो 40 ग्रैंड टोटल जो 340 मिनिमम पास मार्क्स जो रहेंगे आपके जो जहाँ तक सारा बता रखा है। और उसके बाद जो आता है क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे आपके शुड विल बी जो 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, और जो क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट इन जो आपका बायलिंगुअल होगा जो हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जैसे मार्क्स जो रहेंगे, और उसके बाद जो इंटरव्यू बायोबास के रिगार्डिंग, और उसके बाद जो एलिजिबिलिटी जो रहेगी आपकी जो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो आगे फर्दर जो सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इसके रिगार्डिंग। और जो आपकी एज रहेगी वो रहेगी आपकी शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन जो है आपका 42 ईयर्स जो रहेगा ऑन और बिफोर जो है 28/4/2023 जो है क्लोजिंग डेट।
एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज आपको मिलती है, तो वैसे जहाँ पे सारा बता रखा है। और उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट आता है आपके पास, जो जहाँ तक है जो सारा बता रखा है, उसके बाद जो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके बाद भी कुछ पेजेस हैं। और नेक्स्ट आता है आपके पास जो है इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन, जो है EWS ऑफ हरियाणा, जो उसके रिगार्डिंग जो फर्दर इंस्ट्रक्शन है। एविडेंस ऑफ एज के लिए जो आपका रहेगा जो सर्टिफिकेट, जो इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, देयर टू जो इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका एविडेंस ऑफ एज के रिगार्डिंग। तो एप्लीकेशन फीस जो रहेगी आपकी, जो मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग, जिसमें जो डिपेंडेंट सन ऑफ EX सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी आर रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, वो है 1000 रुपीज़। और उसके बाद जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग, जिसमें जो फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM हरियाणा ओनली। और उसके बाद जो फर्दर आता है फीमेल कैंडिडेट, जिसमें जो जनरल ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, वो है 250। फॉर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट जिसमें जो आएगा आपके पास जो SC BCA BCB ESM, जो इसके रिगार्डिंग सारा बता रखा है। और उसके बाद जो ESM ऑफ कैटेगरी और ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, जो इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन जो EWS, तो उसमें बता रखा है 250। और उसके बाद जो ऑल अदर जो पर्सन जो विद डिसेबिलिटी, जो आपका रहेगा कैटेगरी कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट जो 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली, वो है नील फीस उनकी। तो उसके बाद जो आता है जो फर्दर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, जो सारे उसके रिगार्डिंग सारा बता रखा है। और इसके बाद भी कुछ पेजेस हैं। और एक बात जरूर, अप्लाई करने से पहले आप ये खुद से जरूर पढ़िएगा पूरा नोटिफिकेशन, ये जो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम के चैनल का नेम RS Learners, तो वहाँ पे भी लिंक पे क्लिक करके आप सीधा डायरेक्टली जो हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, जो अभी हमने पहले ही अपलोड किया आपको मिलेगा। और ये हम आपको सबसे पहले अपने YouTube के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसी चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग साथ में अदर जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी जॉब्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ना मिस कर पाएँ। थैंक यू।